वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर देश की राजधानी व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 101, भारत और विश्व का प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान IIT दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? भारत और विश्व का प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान IIT दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है 1961 में IIT दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 102, करेंसी के रूप में रुपये की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शेर शाह सूरी। तो करेंसी के रूप में शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपये की शुरुआत की थी। भारत में जन्मे पठान थे शेर शाह सूरी, तो जैसे कि उनका मूल नाम जन्म का नाम फरीद खां था, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 130, सड़क ए आजम या सड़क बादशाही का निर्माण किसने कराया था? इस क्वेश्चन शेर शाह सूरी ने करवाया था। सड़क ए आजम या सड़क बादशाही, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, तो शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 104, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन बजवाड़ा होशियारपुर। तो शेर शाह सूरी का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर राजस्थान में हुआ था। क्षमा चाहते हैं, होशियारपुर पंजाब में आता है, राजस्थान में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 105, शेर शाह सूरी ने किस नदी के तट पर पुराना किला का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में किस नदी के तट पर पुराना किला का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने? इस क्वेश्चन का उत्तर यमुना। तो शेर शाह सूरी ने यमुना नदी के तट पर पुराना किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 106, किस मुगल शासक ने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी? इस क्वेश्चन का हुमायूं। तो मुगल शासक हुमायूं ने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो महरौली दिल्ली में स्थित है, तो उसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का 379 सीढ़ियाँ है कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार विश्व ईंटों से बना विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व का सबसे ऊंचा ईंटों से बना कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की हाइट, मतलब फीट में 237.86 फीट है कुतुब मीनार की हाइट। और जैसे कि ताजमहल की हाइट इसे 73 मीटर होती है, कुतुब मीनार 72.5 है। और चार मीनार हैदराबाद में जिसे, चार मीनार की हाइट 56 मीटर है। आपको याद रखना है चार मीनार की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 109, कुतुब मीनार का निर्माण अफगानिस्तान की किस मीनार की प्रेरणा से किया गया था? इस क्वेश्चन मीनार ए जाम जो कुतुब मीनार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ईंटों से बना मीनार है जो अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसी की प्रेरणा से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। तो किस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2007 में शामिल किया गया था? इस क्वेश्चन, नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जो प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया था, और प्रमुख स्वामी महाराज के ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी प्रमुख स्वामी महाराज के नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 111, अक्षरधाम मंदिर की संरचना किस प्रकार की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ऋषिकेश उत्तर है गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है, और इस मंदिर को बनाने में स्टील, लोहे या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 112, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्षरधाम मंदिर में नक्शीदार खंभों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन 234 है, 234 है, और जैसे कि 100 एकड़ जमीन में बना है अक्षरधाम मंदिर, और जैसे कि अक्षरधाम मंदिर में टोटल 20,000 मूर्तियां हैं, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 113, विश्व प्रसिद्ध इंडिया गेट को मूल रूप से क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, विश्व प्रसिद्ध इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। तो इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, मूल रूप से नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता है। किंग्सवे इसका डिजाइन सर एडवर्ड ल्यूडिंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 114, दिल्ली के राजपथ पर स्थित इंडिया गेट किसकी प्रेरणा से निर्मित है? मैंने इसका आंसर अभी पहले आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ की प्रेरणा से बनाया गया है इंडिया गेट, जो पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ, इसका नाम आपको याद रखना है। तो सन 1931 में बनाया गया था इंडिया गेट। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाने वाला यह स्मारक निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 10,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। इसका निर्माण 13,300 सैनिकों की और ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। और इंडिया गेट में यूनाइटेड किंगडम्स के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है। लाल और पीले बलुए पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 115, 1857 के दिन दो स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के उपलक्ष में अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण किया गया है। तो किन दो जवानों की स्मृति में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है मुंबई में? किसी सैयद हुसैन और दूसरे का नाम मंगल कड़िया। तो सैयद हुसैन और स्वतंत्र सेनानी मंगल कड़िया के नाम पर 1857 के दोनों स्वतंत्र सेनानी का बलिदान की याद में अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण किया गया है आजाद मैदान मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 116, राजपथ को पहले क्या कहा जाता था? किसी ल्यूटिन की दिल्ली और किंग्सवे कहा जाता था राजपथ को पहले। समझ जाते हैं यहाँ पे किंग्सवे आएगा, किंग्सवे और दिल्ली को पहले ल्यूटिन्स की दिल्ली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 117, इंडिया गेट के सामने की छतरी में किसकी मूर्ति थी जो बाद में हटा दी गई थी, भारत सरकार द्वारा हटा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन जॉर्ज पंचम। तो इंडिया गेट के सामने छतरी है, उसमें अपर छतरी खाली है अभी, तो उसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी जो बाद में हटा दी गई थी भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, चांदनी चौक किस शहर का सबसे पुराना एवं सबसे व्यस्त क्षेत्र है? इस क्वेश्चन दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली शहर का सबसे पुराना एवं सबसे व्यस्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 119, चांदनी चौक को किसने डिजाइन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांदनी चौक को किसने डिजाइन किया था? तो इस क्वेश्चन जहां आरा बेगम, तो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा बेगम ने चांदनी चौक को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 120, महरौली में लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन अनंग पाल तोमर ने महरौली में लाल कोट का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 121, पृथ्वीराज तृतीय को किस नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 122, किसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हराया था? तो इस क्वेश्चन मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने 1192 की तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 123, दिल्ली की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? इस क्वेश्चन हरियाणा राज्य से लगती है, दिल्ली की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा। क्वेश्चन नंबर 124, दिल्ली के पूर्व में किस राज्य की सीमा लगती है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। दिल्ली की दो राज्य से सीमा लगती है, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 125, दिल्ली में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन हिंदी, दिल्ली में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 126, आधुनिक दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? इसकी इडविन ल्यूटिन, तो ल्यूटिन की दिल्ली भी कहते हैं, और हर्बर्ट बेकर ने किया था आधुनिक दिल्ली यानी न्यू दिल्ली का डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 127, दिल्ली कितने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन में 5, तो दिल्ली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, जो कि 1, 2, 8, 10 और 24। क्वेश्चन नंबर 128, दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? इस क्वेश्चन 70 है दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 129, 2010 का पुरुष हॉकी विश्व कप, तो मेल हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? इस क्वेश्चन ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में भी खेला गया था पुरुष हॉकी के विश्व कप का फाइनल। क्वेश्चन नंबर 130, वर्ष 2010 पुरुष हॉकी विश्व कप कौन सा संस्करण था, जो जैसे कि 2010 में दिल्ली में खेला गया था, तो इस क्वेश्चन 12वां संस्करण था पुरुष हॉकी विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 131, देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन, जो हर वर्ष फरवरी मास में खुलता है मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 132, मुगल गार्डन मुगल उद्यान या मुगल गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, सर एडविन लुटियंस ने लेडी हार्डिंग के आदेश पर तैयार किया था मुगल उद्यान का डिजाइन। सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था लेडी हार्डिंग के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? इस क्वेश्चन एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे, तो जैसे कि भारत के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार माने जाते हैं एडविन लुटियंस उस समय के। क्वेश्चन नंबर 134, 2007 में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसकी चक दे इंडिया के लिए, तो शाहरुख खान का भी दिल्ली में जन्म हुआ, शाहरुख खान दिल्ली से, तो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी होती है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और केबीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दिल्ली से हो तो ये नॉलेज आपके होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135, शाहरुख खान ने किस फिल्म से बॉलीवुड में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था? तो इस क्वेश्चन का दीवाना मूवी से शाहरुख खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जैसे कि आप जो भी टॉपिक हो उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, तो आपको आपकी कोई भी एग्जाम के हो या केबीसी कोई भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दिल्ली से कोई भी फेमस, जैसे कि विराट कोहली दिल्ली से, शाहरुख खान दिल्ली से, गौतम गंभीर दिल्ली से, तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। वो केबीसी के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि दिल्ली में बहुत फेमस प्लेस है, जैसे कि कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए आपको, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 136, मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि कौन रहे थे? इसकी मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब, मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। क्वेश्चन नंबर 130, मिर्जा गालिब किस भाषा के महान शायर थे? इसकी उर्दू एवं फारसी भाषा के विश्व के महान शायर माने जाते हैं मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 138, उर्दू भाषा के सर्वकालिक किस महान शायर गजलकार दबीर उल मुल्क, दबीर उल मुल्क या नजम उद दौला का खिताब मिला था? इसकी मिर्जा गालिब, तो बहादुर जफर ने इनको ये किताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 139, सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? सुशील कुमार भी दिल्ली से, तो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी कुश्ती पहलवान है, कुश्ती से है सुशील कुमार का संबंध। क्वेश्चन नंबर 140, पहलवान सुशील कुमार का जन्म स्थान कहाँ है?
तो इस क्विज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के गांव बापरोला में पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 141, सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? इस क्वेश्चन कांस्य पदक। तो कुश्ती में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है और पहले भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 142, सुशील कुमार किसके शिष्य है? तो सुशील कुमार के कोच कौन थे? इसके सतपाल पहलवान। तो सतपाल पहलवान सुशील कुमार के कोच है। क्वेश्चन नंबर 143, सुशील कुमार ने 2010 तथा 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता था? इस क्वेश्चन स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 2010 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में सुशील कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 144, मनिका बत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसकी टेबल टेनिस से मनिका बत्रा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 141, टेबल टेनिस में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इस क्वेश्चन, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे कि इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से टोटल पाँच लोगों को सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा को क्रिकेट में, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा ओलंपिक हाई जंप में, और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, और विनेश फोगाट को रेसलिंग में, और रानी रामपाल को हॉकी में, महिला में हॉकी में सम्मानित किया गया है मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 146, अंकिता बांबरी का संबंध किस खेल से है? जैसे कि ये अंकिता बांबरी दिल्ली से है और मनिका बत्रा भी दिल्ली से है, तो अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो ये दोनों के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए टेनिस से है अंकिता बांबरी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 147, वर्ष 2007 के कबड्डी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसके राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 2007 में साथ के कबड्डी विश्व कप में। क्वेश्चन नंबर 140, दिल्ली के दूसरे महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन शीला दीक्षित दिल्ली के दूसरे महिला मुख्यमंत्री थे। पहले महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थे, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो सुषमा स्वराज। उसके बाद तुरंत ही शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बने थे, और शीला दीक्षित का कार्यकाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 14 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 140, शीला दीक्षित 2014 में किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस केरल के राज्यपाल रह चुका है शीला दीक्षित 2014 में। क्वेश्चन नंबर 150, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय से संपर्क के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र प्रवासी भारतीय केंद्र, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण क्या किया गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसकी सुषमा स्वराज भवन कर दिया है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त है। मैंने इससे पहले भी दिल्ली से संबंधित जनरल के 50-50 क्वेश्चन के दो वीडियो डाले थे, ये तीसरा पार्ट है। वो दो वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको आपकी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वहाँ पर जितने व्यक्ति के नाम आते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी मार्क डिटेक्ट नहीं होगा जनरल नॉलेज के टॉपिक से। तो जो भी पढ़े डिटेल में पढ़े। तो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारी ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगते हो तो आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिस मिलेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।